कोरोना का प्रकोप इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अब धीरे धीरे सैनिक भी इसकी चपेट में आने लगे हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासा चिंतित हैं और इसीलिए उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को फोन लगा दिया और कोरोना संक्रमित सैनिकों के बारे में हालचाल लेकर प्रदेश के कोरोना से हाल को लेकर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमित हुए सैनिकों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार और सेना के अधिकारी आपसी समन्वय बनाए रखते हुए सैनिकों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सेना से लगातार संपर्क किया जा रहा है, हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की स्थिति को नियंत्रण में बताया है, कहा है कि राज्य में सर्विलांस और सैंपलिंग में काफी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट की सुविधाएं भी लगातार बढ़ाई जा रही हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में कोविड 19 की चपेट में आकर शनिवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे राज्य में कोरोना की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 52 हो गई है। वहीं संक्रमण के 174 नए मामले भी सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 7276 को पार कर गया है, जिनमें से 52 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल 1108 मामले ऐसे हैं जिनका अभी भी इलाज किया जा रहा है।